आज की तारीख में अमिताभ बच्चन की उम्र है इक्यासी साल और इस उम्र में भी उन्होंने 35 साल के विकी कौशल को चटा डाली है धूल तैतालीस साल के शाहिद कपूर को भी दे डाली है मात बिग बी ने ऐसा काम कर दिया है जो ये दोनों ही जवान एक्टर अभी तक नहीं कर पाए हैं विक्की और शाहिद जिसकी बातें करते रह गए बिग बी ने वो काम चुपके से डाला अपने इस बम्पर काम से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ही हैं इंडस्ट्री के असली बिग बी अपनी अगली फिल्म कल्कि में अमिताभ ने ये कहर मचाने वाला काम किया है हाल ही में इस फिल्म में बिग बी के कैरेक्टर का इंट्रो मूवीज फैंस से कराया गया अमित जी का इंट्रो देख मूवीज फैंस पगला गए अश्वत्थामा के रूप में बिग बी को देख मूवीज फैंस चौक गए उनके माथे पर लगी मणि की चमक ने मूवीज फैंस की आंखों में भी चमक ला दी अब तक तलकी के हर प्रमोशनल एलिमेंट में बिग बी के करेक्टर का चेहरा नकाब के पीछे ढका होता था इस बार चेहरा दिखा तो बिग बी का जवानी वाला रूप देख फैंस फूले नहीं समा रहे कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डी के जरिए अमिताभ का जवानी का रूप दिखाया गया गया है ऐसा है तो भाई इसके लिए तो मेकर्स को 21 तोपों की सलामी दी ही जानी चाहिए अब बताते हैं कि बिग बी ने एक ही से कैसे विकी कौशल और शाहिद कपूर को चित कर दिया आपको याद होगा कुछ महीनों पहले विकी कौशल की एक मूवी अनाउंस हुई थी मूवी का नाम था द इमोटल अश्वत्थामा विकी कौशल इसमें अश्वत्थामा के रोल में थे लेकिन फिर खबरें आई की फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है अभी हाल ही में शाहिद कपूर को लेकर भी अश्वत्थामा पर फिल्म बनाने का ऐलान हुआ फिल्म का नाम है अश्वत्थामा द सादा कंटिन्यू प्राइम वीडियो के एक इवेंट में इस फिल्म का ऐलान किया गया लेकिन दोनों ही युवा स्टार को मात देते हुए बिग बी टीवी और मोबाइल के छोटे पर्दे पर तो अश्वत्थामा बने नजर आने लगे हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर भी अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में दिखाई देंगे उम्मीद है कि जल्द ही टीम फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर देगी दरअसल पहले मूवी के ट्विटर हैंडल पर दुनिया भर में 9 मई को फिल्म रिलीज करने का अपडेट दिया गया था लेकिन बाद में सभी पोस्टर ऐसी 9 मई की डेट गायब कर दी गई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की रिलीज टाल दी गई है और नई डेट अभी मेकर्स की तरफ से नहीं बताई गई है लेकिन बिग बी के इस कैरेक्टर इंट्रो ने फिल्म को लेकर काफी बस बना दिया है तो वह है की जब फिल्म रिलीज हो तो फिल्म जमकर पैसा कूटे ताकि मेकर इस तरह की और फिल्म बनाने का कॉन्फिडेंस आए और दर्शकों को नई से नई ट्रीट मिलती रहे